ये तो 115 गज का विला है, उसकी तो बात अलग है। आप मानोगे नहीं, आप जो 70, 75, 80, 85, 90 लाख, 98 लाख तक आप किसी भी सनी में, ग्रेटर मोहाली सेक्टर 125, 123 में विजिट कर लो, आपको इस वॉल पे ये नहीं मिलेगा। एलसीडी पैनल तो मिल जाएगा, ये मोल्डिंग नहीं मिलेगी, अलग पार्ट है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे सेल्स में दूसरे बिल्डर का स्टाफ। पर यहाँ पे बहुत कुछ इंक्लूडेड है। ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे को 5वां साल है यहाँ पे जॉब करते हुए। ये लौते एक बिल्डर हैं, मेरे को 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में नौकरी करते, कि जो 99% आपको चीज़ वैसी दे रहे हैं, 90% तो लगा ही लो। बहुत सारे बिल्डर हैं सैंपल दिखा के चीज़ भी नहीं दे पाते। बैक पैनलिंग बीच में मिल जाएगी, अटैच वॉशरूम एज इट इज ही रहेगा, 2x4 की वॉल टाइल है, अरोका की बाथ फिटिंग रहेगी, सेम टू सेम एज इट इज ही आपको मिल जाएगा। टाइल की क्वालिटी देख लो आप, एज इट इज ही आपको मिल जाएगा सब कुछ। ये वेंटिलेशन है चारों वॉशरूमों में, एज इट इज मिलेगी। वॉल हैंगिंग सीट है, वॉल हैंगिंग शंक है, टैप्स हमारी सारी मॉलर है। सामने कबर्ड्स चारों बेडरूम में सेम डिजाइन के। ये इस पे हमने एक चीज बता देता हूँ जी, कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते, जैसा आर्किटेक्ट ने हमारे को डिजाइन करके दिया हुआ है। हमने सामान भी वैसा मंगा रखा है जैसे क्वांटिटी में बंदा होल सेल में मंगवाते हैं बिल्डर, तो इस पर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगी आपको। सामने कबर्ड देख रहे हो, इस पर हमारा मैट सरमाइका है, जो ग्रे सरमाइका, थोड़ा सा ग्रे उसमें आ जाता है टच में। अंदर भी सरमाइका वर्क मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होंगे, बस रॉयल के एशियन का पेंट। बीच पे सीलिंग के प्रोफाइल लाइट एज इट इज ही मिलेगी आपको, लाइट की क्वांटिटी एज इट इज मिल जाएगी, वॉल पे एज इट इज वर्क मिल जाएगा। इधर सीलिंग का जैसे हमने किया हुआ है, सीलिंग का एंड कबर्ड्स का, ये पैनलिंग आपको बताई है, एज इट इज ही मिल जाएगी। चारों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, जो सेम बने होंगे, कलर कॉम्बिनेशन अलग है। अंदर से कबर्ड्स कहीं पे भी पेंट वर्क नहीं है, सारा सरमाइका वर्क है अंदर भी। ये हाइड्रोलिक है, शोर नहीं करेंगे जब टच होएंगे। ऐसे सेकंड बेडरूम है, और सबसे पहले बेडरूम में एंटर करने से पहले ये जो चीज़ है, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप सारे कस्टमर, मैम सर, नए वाले पुराने वाले कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप 80 लाख की कोठी में जाना, 85 की में जाना, बहुत देखो जी हमारे से भी बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, नो डाउट, ऐसे कुछ नहीं है। जो मैंने फेस किया है, हम भी घूमते हैं मार्केट में, सुडान टीक की हमने लकड़ी लगाई हुई है, ऊपर ये पॉलिश वर्क है, आपको पेंट वर्क ही मिलेगा। 77 लाख की कोठी में भी, 89-90 में भी, 94-90 में भी, बहुत कम बिल्डर हैं जो पॉलिश दे रहे हैं। या आप क्वालिटी एक बार देख सकते हो अच्छे से। बेडरूम अटैच वॉशरूम, 2x4 की वॉल टाइल है, स्पेशियस, बैक पैनलिंग एज इट इज मिल जाएगी। ये बेडरूम बाद में दिखाता हूँ, पहले 2x4 की वॉल टाइल है, अरोका की बाथ फिटिंग है, एज इट इज ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। सामने कबर्ड्स चारों बेडरूम में, ये थोड़ा सा क्रीमी आ जाता है, मैट सरमाइका, अंदर भी सरमाइका वर्ग है कबर्ड्स के अंदर। एलसीडी पैनल चारों बेडरूम्स में अलग अलग डिजाइन के मिल जाएंगे, उसमें अलग था, यहाँ पे डिको भी किया हुआ है, नीचे टीक प्लाई लगा के ऊपर पॉलिश भी की हुई है। और स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, ये डमी लगाई हुई है हमने, चारों बेडरूम्स में, दोनों ड्राइंग रूम्स में एज इट इज ही मिल जाएंगी आपको। अंदर भी सरमाइका वर्क मिलेगा। वॉशिंग एरिया स्पेशियस है, वेंटिलेशन दोनों बेडरूम्स की, ड्राइंग रूम्स की एज इट इज ही मिल जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर पे वेंटिलेशन बैक को निकाली हुई है, दोनों बेडरूम्स एंड उसकी। हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे ये ग्राउंड प्लस वन बनी हुई है, तो यहाँ पे रोशनी एंड वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो पूरी रोशनी मिलेगी आपको। ये तो हुआ हमारा ग्राउंड फ्लोर, अभी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। स्पेशियस है, बढ़िया बना हुआ है, एक बार दिखाता हूँ मैं ऊपर से, अच्छा लगेगा आपको। और मेरी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करोगे तभी अच्छी प्रॉपर्टी ले पाओगे।
एक चीज़ मैं और बोल देता हूँ आपको, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है ये, हमारे पास आओ ना आओ वो कोई दिक्कत नहीं है सर मैम, आपने अपना 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, जो चीज़ अच्छी लगती है उसी पे इन्वेस्टमेंट करनी है, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस रेट मूव में प्रॉपर्टी हो, ठीक है जी। और मैं ऊपर, पहले मैं आपको बात क्लियर करूंगा, अभी ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे जो एज इट इज़ बना हुआ है, रेडी टू मूव में हो, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस कम हो, पेपर वर्क फैमिलीज रहती हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे हमारा है चाहे किसी और का। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कभी भी आप विजिट करने आते हो तो अकेले आओ, फैमिली के साथ आओ, आउट ऑफ स्टेशन से जम्मू हिमाचल दिल्ली हरियाणा कहीं से भी आ रहे हो, रिलेटिव को साथ ले आने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छी चीज़ है वो भी नहीं ले पाते। हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं, रिलेटिव्स देखो जी सारे बढ़िया होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, हमारे भी रिश्तेदार हैं, पर जो हम फेस करते हैं रिलेटिव काम खराब ही करते हैं जी, कोई अच्छी चीज़ ले ही नहीं पाता, नहीं यहाँ पे रहने दो, ये महंगा हो गया वो सस्ता हो गया, एंड में चीज़ें बिक जाती है, आपको वो चीज़ लेनी पड़ती है जो आप लेनी चाहते नहीं थे और लेनी चाहिए नहीं। मैं ये नहीं बोलता आप मेरे पास आओ, आपका भला उसी में है अगर आप फैमिली के साथ 5-10, देखो जी मैं ये नहीं बोलता, अगर हमारे में मैं कुछ आपको बातों में घुमाता ना तो मैं ये बोलता हमारे पास ही आओ, बस कहीं पे ना जाओ, मैं तो ये बोलता हूँ हमारे पास आना आपकी मर्जी है, 10-15 जगह जाओ, पर खुद का डिसीजन लो वो सबसे बढ़िया है, आप अपना डिसीजन लोगे तो अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर पाओगे। यहाँ पे 90% प्रॉब्लम हमारे को भी आ रही है, इस फील्ड में भी आ रही है, रिलेटिव साथ में आते हैं जो लोकल रह रहे हैं, खुद तो ऐसी चीज़ में रहते हैं, दूसरे को अच्छी चीज़ में नहीं मिल पाती, ठीक है ना जी। आप अपना डिसीजन लो, मेरी नहीं सुननी, मेरे बिल्डर की नहीं सुननी, अपने रिश्तेदार की नहीं सुननी, चाचे मामे की नहीं सुननी, किसी की भी नहीं सुननी, आपने अपनी मर्जी करनी है, वो कर लोगे तो अच्छी चीज़ ले पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। और जो सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको, मेरे से बुलवाना है तो 4 बार बुलवा लो, 10 बार, चलो आप तो बोल नहीं सकते इस वीडियो में से कि हाँ सुखविंदर बोल दो, मैं खुद ही बोल देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। सर मैम आपका 1 लाख रुपया है, आपने 1 लाख रुपया लगाना है, अपनी मेहनत की कमाई लगानी है, 80-85% लोन लेके कम से कम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डबल देना है बैंक को, तो मेरी तरफ से गुड विशेज है, आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करो चाहे कहीं पे भी, मेरे को उतनी ही खुशी होगी, कोई ऐसी बात नहीं है जी। स्टेयर का एरिया फर्स्ट फ्लोर स्पेशियस है, क्वालिटी वाइज बढ़िया है, अगर स्टील की लगा लेते तो इसके इससे सस्ती पड़ती, ये हमने हैवी लगाई हुई है ग्रिल यहाँ पे, ठीक है जी, ये इतनी लंबी इसलिए लगाई हुई है, यहाँ पे हमने डोर बेम डाले हुए हैं, एक विला में 11 कॉलम दिए हुए हैं 1x9 के, जो एक ये भी कॉलम है हमारा, यहाँ पे भी कॉलम है, अंदर भी कॉलम दिए हुए हैं 1x9 के, एक तो 9x9 के जो ईंट का साइज होता है वैसे कॉलम होते हैं, टॉप फ्लोर पे मोंटी है, स्टोरेज कर सकते हो टॉप फ्लोर को भी, आप थर्ड फ्लोर भी बना सकते हो, फोर्थ नहीं बना सकते, ये पैनलिंग इसलिए दी हुई है, यहाँ पे सब मीटर लगाओ और इसको 22,000 के रेंट पे चढ़ाओ, सबसे पहले अब दरवाजा डोर खुला ही है तो बालकनी में चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की, यहाँ से थोड़ा सा एलिवेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी, ग्राउंड से वीडियो को दिखाना और आपको समझाना थोड़ा सा टफ है, फ्रंट एलिवेशन थोड़ा सा लंबा लगता है, पर यहाँ पे सेम साइज़ का दिखेगा, रोड का वर्क भी देख लो आप, लोग लगे हुए हैं हमारे काम, बंदे काम करने, यहाँ पे भी रोड का काम सारा चल रहा है, रेडी टू मूव में है और रेडी टू मूव में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। इसका प्राइस लैंड की परचेजिंग के हिसाब से रेट है जी, ये नहीं है महंगा बहुत है, वो आपने चलो अपने बजट के हिसाब से चलना, पर ये ग्रेटर मोहाली है, यहाँ पे 11 करोड़ रुपए 1 एकड़ जगह मिली है हमें, ठीक है, अगर खरड़ में ये चीज़ बनाते तो 59-90, 65-90 ये में इस प्राइस में मिलती है आपको, खरड़ में बनाते तो हम, ऊपर का लेआउट ग्राउंड की तरह सेम ही रहेगा, सीलिंग का जो है यहाँ पे डिज़ाइन सेम रहेगा,
कबर्ड्स मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा देता हूँ फ़ोन को, एज अ टीजी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 4x4 की फ्लोर टाइल कजारिया की, ग्राउंड पे 2.5x5 की जो अंदर लगी हुई है वो 2x4 कजारिया की टाइल है यहाँ पे। और जो मैंने आपको लकड़ी की क्वालिटी दिखाई है ये सुडान टीक है सारी, ये डार्क नहीं हुआ हुआ, ये रेशे हैं लकड़ी के बीच में जो बने हुए हैं, ये उसी लकड़ में बलते हैं। अगर टीक हो या सुडान टीक हो, जैसे सामने मैं दिखाता हूँ आपको, विंडो में भी मिल जाएंगे स्पेशियस, ये देखो। दो बाय चार की वॉल टाइल है, रुका की बात फिटिंग है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अभी अब फटाफट बस इसे क्लोज कर देता हूँ। सॉरी आपका टाइम लिया हमने, आप वीडियो देखते रहते हो, व्यूज़ आते रहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बस आपके लिए है जी, इन से चीज़ों के लिए नहीं है वो, चलो मैंने बोल दिया वो एक अलग चीज़ है, आपके लिए है। अगर आपने प्लॉट लिया है ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, अगर आप 10 जगह जाया हो प्रॉपर्टी नहीं पसंद आ रही तो ये वीडियो हेल्प करेगी, अगर आपने 10 जगह जाना है तो ये वीडियो हेल्प करेगी, अगर आप चीज़ अगर आपने हेल्प लेनी है तो ये वीडियो हेल्प करेगी, क्योंकि बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सेल्स में भी हैं साथ साथ काम कर रहे हैं। LCD पैनल जैसे मैंने बताया था चारों बेडरूम्स में लग डिज़ाइन के हैं, स्प्लिट एसी की प्रोविज़न है चारों बेडरूम्स एंड ड्राइंग रूम में। बिल्डर क्या करते हैं यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे हॉल निकाल के ना, उनके पैसे नहीं लगते, हम पाइप घुमा के वहाँ पे देते हैं। ये वेंटिलेशन है बैक साइड पे, यहाँ पे हमने पर्दा लगाया नहीं हुआ वीडियो के चक्कर में फर्स्ट फ्लोर पे, कि वेंटिलेशन भी क्लियर होनी ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं सुखविंदर वेंटिलेशन आपकी कम है ज़्यादा है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे को भी सिस्टमाइज होना पड़ता है। ठीक है जी, ये हमारा है 4th वॉशरूम, बेडरूम ड्राइंग रूम हर चीज़ मैंने विजिट करा दी है अभी, जैसा आपको अच्छा लगे। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 days अवेलेबिलिटी है, जब मर्जी विजिट करने के लिए आओ। टॉप फ्लोर पे जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप फ्लोर पे रूफ ही है, और जब आप आओगे जो हमने कॉलम निकाले हुए हैं जिसकी मैं बात करता रहता हूँ, विंडो चौखटों पे डोर बीम है, एक कॉलम निकला हुआ है, 1x9 के कॉलम है, वो सारे ऊपर निकले हुए हैं, वो आपको दिखा दूंगा। 3rd फ्लोर बनानी है वो भी बन जाएगी। मोस्ट वेलकम है जी, गुड विशेज रहेंगी, ऐसी आप वीडियो देखते रहो, अच्छी प्रॉपर्टी सर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करोगे तभी मिलेगी बढ़िया चीज़, मेरे से गलती फलती माफ़। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 days अवेलेबिलिटी रहेगी, अपनी मर्जी से हर चीज़ आप परचेज़ करो, बढ़िया रहेगी।